इसमें हम आज आपको कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला के विषय में बताते हैं। इसमें कैदी और कोकिला, ये यहाँ पर इसमें हम आपको माखनलाल चतुर्वेदी जो इनके अपने ये माखनलाल चतुर्वेदी कवि साहित्यिक परिचय, इसके अंतर्गत हम आपको यहाँ पर जीवन परिचय, साहित्य से संबंधित परिचय और इसमें यहाँ पर रचनाएं पाठ परिचय प्रमुख रचनाएं काव्यगत विशेषताएं भाषा शैली भाषा शैली इनके विषय में देखते हैं और उसके बाद पाठ का परिचय ये आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इनके जीवन के विषय में जानकारी लेते हैं। यह प्रमुख छायावादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगा मध्य प्रदेश के होशंगा जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी और माता का नाम सुंदरबाई था। मिडिल तथा नॉर्मल की परीक्षाएं पास करके उन्होंने 8 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापन कार्य किया। उन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और बांग्ला का भी अध्ययन किया। सन 1913 में उन्होंने
प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसी समय गणेश शंकर विद्यार्थी की देशभक्ति ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने जबलपुर से कर्मवीर का संपादन किया और गणेश शंकर की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने प्रताप का संपादन संभाला। 1963 ईस्वी में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया और हिंदी साहित्य संसार में, हिंदी साहित्य संसार जो है उसमें वे एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। सन 1968 में बताते हैं 1968 में उनका देहावसान हो गया। इस प्रकार से वह उनका जीवन परिचय और इसी तरह से साहित्यिक विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं और प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से मानी जाती हैं। कविता संग्रह के अंतर्गत हिम क्रीटिनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, माता, वेणु लू, गूंजे धरा, समर्पण, बिजुरी, काजल आंख आज रही, मरण ज्वार, धूम्र वलय आदि नाटक, नाटक देखते हैं कृष्णा अर्जुन युद्ध, संस्मरण, समय के पांव, गद्य काव्य और निबंध, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतन की लाचार। इस प्रकार से यहाँ पर ये उनका रचनाएं और इसके बाद हम काव्यगत विशेषताओं के विषय में देखते हैं। काव्यगत विशेषताएं इसमें माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में प्रमुख स्वर देशभक्ति और राष्ट्रीयता का है। वे अपने देश और अपनी संस्कृति से अपार स्नेह करते हैं। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में भक्ति और अध्यात्म के दर्शन होते हैं। उन्होंने प्रेम और प्रकृति संबंधी रचनाएं भी की हैं। प्रकृति उनके काव्य का मुख्य विषय रहा है। भाषा शैली ये आपका हुआ काव्यगत विशेषताएं और अन्य। इसमें भाषा शैली के अंतर्गत हम देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी की भाषा में बोलचाल के शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्द भी हैं। उन्होंने छायावादी कवियों की भांति संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग बहुत कम किया है। उनकी छंद योजना में नवीनता है। यहाँ पर इस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन, साहित्य जीवन, प्रमुख रचनाएं और अन्य काव्यगत विशेषताएं, भाषा शैली, इस प्रकार से इनका यहाँ पर ये परिचय। तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं यहाँ कैदी और कोकिला पाठ देते हैं और इसका थोड़ा आपको इस पाठ के अंतर्गत
आपको थोड़ा सा इसका परिचय कराते हैं कि कैदी और कोकिला कविता लोकप्रिय कविता मानी जाती है, लोकप्रिय कविता है। इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। जेल में कवि एकाकी एवं उदास है, अपने मन के दुख असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश को देश को एक जेल के रूप में देख रही है। इसलिए आधी रात को वह चीख उठी। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि वह चीख उठती है और इसमें इस प्रकार से जो कैदी और कोकिला नामक ये आपका पाठ है, इसके अंतर्गत कहते हैं कि लोकप्रिय मानी जाती है, लोकप्रिय। इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक चित्रण दिखाया गया है। जेल में कवि एकाकी एवं उदास है, अपने मन के दुख असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि यह मधुर गीत गाने का नहीं मुक्ति गान सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक जेल के रूप में देख रही है, इसलिए आधी रात को वह चीख उठी। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा बताया गया है। तो ये हुआ आपका यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं यह कविता क्या गाती हो, क्यों रह रहे कर जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, काकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, काकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी काकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, काकिल बोलो तो क्या, देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरचर चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली।
इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कौकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कौकिल बोलो तो। कौकिल क्या गाती हो, क्यों रह रहकर जाती हो, कौकिल बोलो तो। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह बताया गया है कि कैदी और कोकिला जो ये आपकी कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित हैं, यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का यहाँ पर विशेष रूप से मार्मिक चित्रण किया गया है। इसमें जेल में कवि बताते हैं उदास है, एकाकी है और उदास है। मन के जो दुख हैं और असंतोष और ब्रिटिश शासन जो है उस शासन के प्रति जो क्रोध है, उस क्रोध को यहाँ पर उजागर करते हुए कवि कहते हैं कि समय मधुर गीत गाने का नहीं है, यहाँ पर मीठी मीठी बातें करना, मीठा मीठा गान करना इसका समय नहीं है। यहाँ बल्कि मुक्ति गान गाने का है, जिससे मुक्ति हो जाए ऐसा गीत गाने का है। और इसमें कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक जेल के रूप में देख रही है, इसलिए वह आधी रात को यहाँ पर चिल्लाती है। तो क्या गाती हो, क्यों रह रह कर जाती हो, कौकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश आ किसका है, कौकिल बोलो तो। इसमें इन पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि आधी रात को कोयल के कूकने का आश्चर्य व्यक्त करता है, क्योंकि उसे ये महसूस होता है कि आधी रात को कोयल कूकना कभी भी सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं है। इसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों की चर्चा भी की गई है। तो इसमें यही चर्चा की गई है कि राजनीतिक और सामाजिक, इस प्रकार से यहाँ ये आपका यहाँ पर प्रसंग हमने आपको बताया था कि एक में संदर्भ प्रसंग, प्रसंग और भावार्थ, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसमें शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य, सौंदर्य के अंतर्गत
भाव सौंदर्य ये यहाँ पर अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। और इससे पहले हमारा कोई हमें लिखना है गद्यांश है या पद्यांश है, कोई भी हमें लिखना है तो उसका हमें संकेत भी लिखना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास में दो तीन गद्य हैं, अपठित गद्यांश दो तीन आ गए हैं, दो तीन काव्यांश आ गए हैं, तो आप उनका संकेत भी लिखेंगे। संकेत कोई भी इसमें जो गद्यांश या पद्यांश आपके सामने हैं उसकी एक दो शब्दों से ऊपर लिख करके दो तीन दो चार शब्दों को लिख करके डॉट 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 और उसके बाद अंतिम के दो चार शब्द लिखना संकेत ही कहा जाता है। अर्थात एग्जामिनर जो कॉपी जांचने वाले होते हैं उन्हें ये पता लग जाता है कि बच्चे ने कौन से गति या कौन से पद का यहाँ पर भाव दिया है, उसके विषय में व्याख्या की है। तो यही केवल यहाँ पर संकेत करना है। तो इसमें हम आपको ये इसके बाद आज इतना ही, आपको कल बताएंगे।